आरएलडी नेता इस वक्त मेरे साथ में आई हूँ, उनसे बात करो सर, आज संत कबीर नगर की धरती पर क्या कहना चाह रहे हैं? किसानों की धरती है और पूर्वांचल के किसानों को के बीच आकर हम ये संदेश सरकार को देना चाहते हैं। जो सरकार अगर ये सोचती है कि पंजाब का किसान उसके दर्द को हरियाणा का किसान नहीं महसूस करता है, उत्तर प्रदेश के किसान इस कानून के प्रभाव में नहीं आते, सारे किसान एक हैं। इन कानूनों की स्वीकार्यता गांव देहात में बिल्कुल नहीं है। सरकार से सब किसान एक होकर मांग करते हैं कि इन कानून को वापस लें, और साथ साथ मंडियों में जो शोषण होता है किसानों को भाव नहीं मिलता, सरकार एमएसपी घोषित करती है, एमएसपी किसी भी फसल में किसान को मिल नहीं रही है, वह उनका अधिकार बनता है। कल अभी एक मंत्री गए थे गांव में चौपाल लगाने, उनका विरोध हुआ, क्या कहना? देखिए, विरोध उन्होंने सोचा मेरा विरोध हुआ, महानारे लिए गए थे किसान एकता जिंदाबाद। अब जो आदमी किसान एकता जिंदाबाद कोई नारे ले रहा है उससे उनको आपत्ति हो और फिर वो गांव वालों से बदतमीजी करें, कैसी मानसिकता है आप खुद ही देख रहे हैं। भारत समाचार से मोनू वर्मा, संत कबीर नगर। केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कल ये जो घटना यहाँ पे हुई है, आप इसको कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व में भाजपा को कहा है कि आप लोगों को समझाओ जाके, तो दे शुड गो एंड दे शुड बी रेडी टू फेस क्वेश्चंस एंड हॉस्टिलिटी एंड ट्राई टू सेटिस्फाई देम, टेल देम व्हेन दे वर आस्किंग गन्ने का दाम नहीं लिया क्या हुआ, तो आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो इफेक्ट नहीं दिया, आप बताओ उनको क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे। तो समस्याएं जो किसानों की हैं वो तो उठाएंगे, इतना परेशान है आदमी। ऊपर से सर तानाशाही नीचे तक आ चुके, फिर कहते हैं, फिर आप भड़क जाते हो उस बात पे, और फिर आपने प्रशासन का इस्तेमाल किया उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो ये तो चलने वाला नहीं है। मान रहे हैं पुलिस भी कठपुतली है, यहाँ किसान डरने वाला नहीं है, पुलिस को भी कठपुतली मान रहे हैं जिस तरह से आपने कहा उसके बारे में। ना ना, मैं ऐसी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा, ना मैं कह रहा हूँ पुलिस को, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चौधरी अजीत सिंह का ये मानना है कि जो सरकार अब कर रही है ये तानाशाही है और लोकतंत्र में इसके लिए जगह नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्तेमाल है ताकत का वो हर तरफ किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, सोरम गांव, मुजफ्फरनगर।